आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी मोटिव्स और सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स का आपको बताया था क्या होते हैं, वो जो फोर्स होती है जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, ठीक है, हमें गाइड करती है, अब हमें किसी काम पर उकसाती है। प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं, वो मोटिव जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं और वो मोटिव्स जो कि हम लोग लर्न नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एयर मोटिव लिखा है, हंगर मोटिव लिखा है, थर्स्ट, ये सब चीज़ें वो हैं जिनको हम लर्न नहीं करते, ये हमारे अंदर बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले लिखा हुआ एयर मोटिव, एयर मोटिव क्या होता है, हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, अगर सांस नहीं आएगा तो क्या है, हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इफेक्ट क्या लिखा है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी इमीडिएट डेथ हो सकती है, ठीक है। एयर मोटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम खुली हवा में जाना चाहते हैं, हम पार्क्स में जाते हैं या हम घरों में खिड़कियां दरवाजे रखते हैं, किस लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन और हवा के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये मोटिव हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है हंगर मोटिव, हंगर मोटिव क्या होता है, जो हमें भूख लगती है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। हंगर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हंगर कैसे लगती है और उसमें किस किस चीज़ों का रोल होता है, सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक है, ये रिसर्च से प्रूव हुआ था, ये कि जो कंट्रैक्शन होती है, जब स्टमक हमारा सिकुड़ता है, जब वो खाली होता है, तो उसी कंट्रैक्शन से हमें भूख लगती है, ठीक है। और ये जो रिसर्च है मिलर नाम के बंदे से, उसके कोलीग्स ने की थी, ठीक है। अच्छा, ये आगे लिखा है डेविल गर्लफ्रेंड एवियन रिजेक्टेड दिस थ्योरी, दे प्रूव्ड थ्रू दियर एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स दैट दे फील हंगर इवन दियर स्टमक इज रिमूव्ड। अब ये रिसर्च जो है वो डिसअप्रूव भी हुई थी कि जो है अगर स्टमक को रिमूव कर दिया जाए, जाहिर है तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होंगी, तो फिर भूख कैसे लगेगी, तो ये इस रिसर्च की कॉन्ट्रडिक्शन में आई थी कि अगर स्टमक को रिमूव कर दिया जाए तब भी एनिमल्स को भूख लगती थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, हमारी बॉडी में जब टिश्यूज़ जो हैं वो टूटते बनते रहते हैं, जाहिर है, ठीक है, तो जब डिस्ट्रक्शन होती है तो हमें भूख लगती है। ग्लूकोज लेवल जब डाउन होगा तो भी हमें भूख लगती है, ठीक है। सबको पता है कि ग्लूकोज जब जिसकी शुगर लेवल हमारा बराबर होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी, अगर कम हो जाएगा तो हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि शुगर ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और अगर हमारा शुगर लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हमें भूख लगेगी, एनर्जी हासिल करने के लिए हम खाना खाएंगे। अब उसके बाद हंगर क्यूज हैं, इंसुलिन लेवल जो है वो, जो आपने पढ़ लिया कि ये ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज होती है हमारा, अगर जब ग्लूकोज डिक्रीज हो जाए तो हमें भूख लगती है, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि अगर इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इंसुलिन लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में शुगर कम हो जाएगी, जाहिर है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो शुगर को कम करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। द स्मेल ऑफ स्पाइसी फूड जो है, साइट, ये कह रहे हैं कि कौन से ऐसे क्यूज़ हैं जिनसे हमें भूख लग सकती है, अगर आपको अच्छा खाना नज़र आ रहा है, ठीक है, या खुशबू आ रही है तो भी आपको भूख लगती है। क्यूज़ होते हैं वो कुछ इशारे होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में। उसके बाद रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का एक एरिया है हाइपोथैलेमस, इसके दो हिस्से होते हैं, एक लेटरल हाइपोथैलेमस होता है, एक वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस होता है, ये दो हिस्से हैं। लेटरल जो है वो हमें भूख लगाता है और वेंट्रोमीडियल कहता है कि भूख खत्म हो गई अब रोक दो, ठीक है। सेटाइटी सेंटर इसको बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ठीक है। एनिमल्स पे इन्होंने स्टडी करके देखा था कि जब उनका ये वाला हाइपोथैलेमस, लेटरल वाला पार्ट जो भूख लगाता है, जब इसको रिमूव कर दिया गया तो उनकी भूख जो है वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। जाहिर है कि जब उनका वो भूख लगाने वाला सेंटर ही हटा दिया तो उनकी भूख खत्म हो गई, ठीक है, और सेटाइटी सेंटर जो है ये भूख खत्म करता है, और जब इस हिस्से को मिटाया गया, खत्म किया गया, तो क्या हुआ कि उनकी भूख अनकंट्रोल हो गई, वो कंट्रोल में नहीं रही और वो खाते चले गए, क्योंकि जाहिर है कि उनका स्टैटिक सेंटर रिमूव कर दिया गया था। तो ये दो सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एमसीक्यूज में आते हैं। अब क्या होगा, इफेक्ट्स क्या होंगे, इफ द इंडिविजुअल फेल्स टू रिलीव हंगर ही बिगिंस टू डिवेलप वीकनेस। अब देखें, अगर आप भूख को नहीं मिटाएंगे तो क्या होगा, आपको वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। ये एक दो लाइनें फैक्ट्स में आप याद कर सकते हैं कि ही कैन नॉट बियर हंगर फॉर मोर देन 10 डेज, ये 10 दिन से ज़्यादा एक इंसान जो है वो नहीं जो है वो कर सकता। अगर एक इंसान को भूख सेटिस्फाई ना हो तो इंसान जो है वो इरिटेबल हो जाता है, उसको गुस्सा जल्दी ज़रा ज़रा सी बात पर आएगा, ठीक है। उसके बाद उसको इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और ये सब चीज़ें, गुस्सा, ये सब चीज़ें, उसको जाहिर है कि भूख सेटिस्फाई नहीं है, तो बच्चे भी अगर उनको आप खाना नहीं देते वक्त पर तो वो गुस्सा करते हैं। उसके बाद थर्स्ट मोटिव आता है, थर्स्ट मोटिव प्यास का मोटिव, ठीक है, हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है थर्स्ट मोटिव जो है ये हंगर के बाद आता है, ठीक है। व्हेन थर्स्ट मोटिव इज स्टिमुलेटेड द माउथ एंड थ्रॉट बिकम ड्राई, हमारा जो मुंह है, गला है, वो खुश्क हो जाता है। द ड्राइनेस इन द माउथ एंड थ्रॉट इज द सिम्टम,
ठीक है। ये पेपर भी बिगड़ा कहीं आया था कि ड्राइनेस जो है वो माउथ की, तो वो क्या सिम्टम है या कॉज है? ये सिम्टम होती है, आपका ड्राई माउथ जो है वो सिम्टम है, कॉज नहीं है कि आपका ड्राई होगा माउथ तो ही आपको प्यास लगेगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट द केस, बल्कि ये सिर्फ एक अलामत है कि आपको प्यास लगी हुई है, कि आपका बिल्कुल मुँह खुश्क हो रहा है, गला खुश्क हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, अब इसकी भी यही वजूहत है पानी प्यास क्यों लगती है अब हमारी बॉडी में जब सेल टूटते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि वाटर डिफिशेंसी अफेक्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस बिकॉज वाटर इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए बिल्कुल ड्राइनेस से, ड्राई खाना तो हजम नहीं होगा ना, हमें पानी भी चाहिए होगा उसको हजम करने के लिए, मेदे को पानी चाहिए, ठीक है। तो डाइजेशन मुतासिर होती है अगर पानी नहीं होगा, ठीक है, और उसको डाइजेशन को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है साल्ट कंसनट्रेशन इन ब्लड, जब बॉडी में साल्ट ज़्यादा हो जाए तो भी आपको प्यास लगती है, ठीक है। पानी जिनको बीपी होता है उन्हें क्यों कहते हैं पानी ज़्यादा पिया करें, ठीक है, पानी उनकी बॉडी में नमक ज़्यादा हो जाता है। थर्स्ट सेंटर्स कौन से हैं? हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर्स भी होते हैं। व्हेन ब्लड सर्कुलेट्स दीज सेंटर्स केमिकल चेंजेस ड्यू टू वाटर डिफिशेंसी इन ब्लड स्टिमुलेट दीज सेंटर्स एंड द इंडिविजुअल फील्स थर्स्टी। हम इन जो ब्रेन के एरिया में ब्लड सेंटर, ये जो सेंटर्स होते हैं थर्स्ट के, इनमें केमिकल चेंजेस होती हैं वाटर डिफिशेंसी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, और वो सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं और इंसान को प्यास लगती है, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ था, सेकंड सिस्टम दैट अराउज द फीलिंग ऑफ वाटर डेप्रिवेशन इज इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टम। ये कहीं पेपर में आपको आ सकता है कि सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर का जो सिस्टम है वो पानी की कमी से जो है वो अराउज हो जाता है, ठीक है। ब्लड सेल्स फंक्शन इन दिस सिस्टम व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर लेवल ड्रॉप्स। जब सेल्स के बाहर जो है, ये सेल्स है ना, इनके बाहर वाला एरिया, ठीक है, जब इनमें पानी कम हो जाता है, इंट्रा सेलुलर वाटर ट्राइज टू गो आउट, तो ये जो सेल के अंदर वाला पानी है ये बाहर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। Thus the messages of water deficiency reaches the nervous system and the thirst motive is activated। अच्छा, उसके बाद है सेटिस्फेक्शन ऑफ थर्स्ट मोटिव। अगर जो है वो सेटिस्फाई ना करें हम थर्स्ट को, ठीक है, when the individual has taken water thirst is required, the receptors in the mouth and throat produce the sensation of thirst having been slaked। अब जब एक इंसान पानी नहीं पिएगा तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या क्या करते हैं, वाटर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इफेक्ट्स क्या होंगे थर्स्ट के, सबको पता है, ठीक है। इंडिविजुअल कैन नॉट बियर थर्स्ट फॉर मोर देन 3 डेज, 3 दिन से ज़्यादा प्यासा नहीं रह सकता, ठीक है। डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉजेज सीवियर वाटर डिफिशेंसी, से वाटर डिफिशेंसी हो जाती है, और वाटर डिफिशेंसी प्रोड्यूस एसिडिटी, ठीक है। जब पानी कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एसिडिटी, एंड ब्लड सर्कुलेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड, तो आपका ब्लड भी थीक हो जाता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेटरी सिस्टम किडनीज एंड यूरिनेशन अराइजेज। हमारे किडनीज भी हैं, उनको भी पानी चाहिए,